गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभ्योदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आशुतोष आर्य आपके समक्ष उपस्थित हूँ। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग में आ पाए गए जो भी नियुक्त अध्यापक हैं उनको विद्यालय आवंटन नहीं किया गया है। उनके विद्यालय आवंटन के संबंध में ये लेटर जारी हुआ था 3 तारीख को। तो आप लोग जो है आज पूरी तरह से रेडी होंगे, क्योंकि आज आपका विद्यालय आवंटन होना है। उसके लिए निर्देश वगैरह आपने पढ़ ही लिया होगा कि किस आधार पे होगा। तो हम लोग भी जो अभी थर्ड लिस्ट में बचे हुए हैं उनके लिए है ये कि उनका विद्यालय आवंटन भी सेम इसी तरह से सेम ही प्रोसीजर से होने वाला है। और आपको जो है मुश्किल से 20 तक जो है विद्यालय आवंटन हो जाएगा। जो थर्ड लिस्ट में बचे हुए स्टूडेंट हैं, मतलब जितने भी सिलेक्टेड हैं 6696 अभ्यर्थी, तो आप लोग जो है बिल्कुल BSC ऑफिस में आप लोग का ज्वाइनिंग हुआ ही है, तो वहाँ जाके आज का प्रोसीजर भी देख सकते हैं। और हम लोग नोटिस पढ़ लेते हैं किस आधार पे होगा। तो इसमें 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में अभिलेखी विसंगत के निराकरण हेतु निर्गत, ये जो भी अभ्यर्थी बचे थे इन लोग का जो है अभिलेखी विसंगति वगैरह से रुका हुआ था। बाद में ये लोग जो है संशोधन के बाद जो है इन लोग का सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के बाद नियुक्ति पत्र वगैरह दिया गया, उसके बाद इन लोग का विद्यालय आवंटन नहीं हुआ था 22 जनपदों को छोड़ के। और हर जगह ऐसे अभ्यर्थी हैं, 5 या 10 इस तरह ही संख्या में हैं। तो उन लोग का जो है विद्यालय आवंटन का जो प्रोसीजर होगा वो 7/9/2021 को किया जाए, मतलब आज ही किया जाएगा। और ये जो होगा पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, NIC के सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित होगा। और इसमें जो है जनपद में आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या के सापेक्ष 5 अतिरिक्त रिक्तियों को जोड़ते हुए विकल्प प्राप्त करने को सम्मिलित किया जाएगा। तो 5 विकल्प आप लोग जो है चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें जो होगा वो शिक्षक विहीन विद्यालय होगा, फिर एकल विद्यालय होगा। तो इस तरह से जो है इसी रोल पे आपका जो विद्यालय आवंटन की कार्यवाही होनी है वो अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 में अद्यतन संशोधित के अनुसार पहले जो है दिव्यांग महिला, फिर दिव्यांग पुरुष, फिर महिला अभ्यर्थी, फिर पुरुष अभ्यर्थी को ऑनलाइन विकल्प प्राप्त करते हुए विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। सूची कैसे तैयार की जाएगी? सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर दिव्यांग महिला की अवरोही में सूची तैयार की जाएगी। अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर फिर दिव्यांग पुरुष आएंगे, उन लोग का भी अवरोही क्रम में तैयार किया जाएगा। जिनका मेरिट ऊपर होगा वो ऊपर होंगे, जिनका नीचे होगा वो लोग नीचे होंगे इस आधार पर। उसके बाद फिर जो महिला होंगी सामान्य महिला, उन लोग का फिर सामान्य पुरुष, इस तरह से जो है जो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया होगी वो होगी। तो आप लोग भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मान लीजिए किसी का गुणांक सेम हो गया, तो उसके लिए है कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उनका जो है पहले होगा विद्यालय आवंटन, मतलब पहले किया जाएगा, उसके बाद जो जिनकी एज कम होगी उसके बाद उनका विद्यालय आवंटन किया जाएगा। और जो विद्यालय की सूची है वो जो है मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध है 30/9/2020 के अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से वो लोग ले सकते हैं विद्यालय। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई लिस्ट जो है किसी के द्वारा दी जाएगी, वो लोग वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसी आधार पे लिस्ट वहाँ पे रैंडमली बनेगी, और कौन सी लिस्ट उठा के दे दें ये किसी को पता नहीं है। तो 2 घंटे पहले आप लोग को लिस्ट चस्पा कर दी जाएगी BSC ऑफिस के बाहर, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं कि यहाँ कौन सा विद्यालय मेरे पास है, कौन सा नज़दीक है, और कौन से विद्यालय में आपको आने जाने में सुगमता होगी। आप लोग जो है ये सब चीज़ें आप लोग को 2 घंटे पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके बाद विद्यालय आवंटन किया जाएगा और अपने अकॉर्डिंग आप लोग विद्यालय चूज कर सकते हैं। जो भी रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग, की जो भी मैंने आपको सीक्वेंस बताया इसके पहले उसके अकॉर्डिंग। और कभी कभी रैंडमली भी अगर विद्यालय आवंटन होता है तो किसी किसी को अच्छा विद्यालय मिल जाता है, और किसी किसी को ऐसा विद्यालय मिल जाता है स्टार्टिंग में जो रिजर्व कैंडिडेट हैं कि जो विद्यालय वो काफ़ी दिन से बंद है, क्योंकि
स्टार्टिंग में तो ऐसा विद्यालय ही दिया जाएगा सबसे पहले, एकल वगैरह, जिसमें छात्रों की संख्या अगर ज़्यादा है तो रैंडमली उसमें जो है लास्ट में आता है कि यहाँ छात्रों की संख्या के आधार पे। सबसे पहले तो है जिसमें विद्यालय में शिक्षक विहीन, फिर एकल, उसके बाद फिर छात्रों की संख्या के अकॉर्डिंग इस तरह से सूची तैयार की जाएगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से आज के विद्यालय आवंटन के पश्चात नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।